हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टी अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो स्कूल लेक्चर के एक टॉपिक चला रखा था अपन ने, इथोलॉजी। और इथोलॉजी का अभी अपने सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल जो बिहेवियर है उसके बारे में डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और उसी के लिंक को आगे बढ़ाते हुए अपन एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो खासतौर से सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट जो मिलता है वो इंसेक्ट के अंदर मिलता है, खास तौर से हनी बी के अंदर। आप सभी जानते भी हैं, अपने घर के अंदर अपन जानते भी हैं कि इनके अंदर जो हनी बी के द्वारा एक छत्ता बनाया जाता है, उस छत्ते में किस प्रकार से वो रोटेट करते हुए राउंड डांसिंग करती है या एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करती है, और उनके छत्ते के अंदर जो शहद या हनी होता है वो किस प्रकार से अपन उसको प्राप्त करते हैं, कैसे वो मेडिसिनली हेल्दी है, किस प्रकार, ये सभी चीज़ें अपन जानते भी हैं। लेकिन फिर भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने को जो इंसेक्ट है, खासतौर से सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपन हनी बी का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जो सभी एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में खासतौर से अपन देखें तो हनी बी से हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स होता है, चाहे वो उससे रिलेटेड हो, चाहे उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे उसके क्लासिफिकेशन से हो, चाहे कि उससे अदर जो भी डिस्क्रिप्शन अपन बात करेंगे, उनके जो मेम्बर्स हैं जैसे क्वीन है, वर्कर्स है, ड्रोन है, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा ईजी सा टॉपिक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सोशल बिहेवियर इन हनी बी, ये अपना आज का टॉपिक रहेगा हनी बी के अंदर। सबसे पहला एक क्वेश्चन अपेसा इसमें से पूछा जाता है टैक्सोनॉमी से, मतलब इसका क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से बता दूंगा, किंगडम है एनिमेलिया का मेंबर है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो हनी बी है उसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है, कौन से ऑर्डर के अंदर उसको रखा गया है, तो हाइमेनोप्टेरा है। हाइमेनोप्टेरा के लिए कई बार पूछा भी जाता है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से ऑर्डर के मेंबर ज़्यादा फेमस हैं, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खास तौर से हाइमेनोप्टेरा के जो मेंबर हैं, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के जो मेंबर है वो सोशल बिहेवियर शो करते हैं। तो कई बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल बिहेवियर शो करने की कैपेसिटी पाई जाती है, उनके मेंबर शो करते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा हाइमेनोप्टेरा। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है हनी बी का जो ऑर्डर है वो कौन सा है, हाइमेनोप्टेरा। ये नॉर्मली है, फैमिली जो है वो एपीडी है, जीनस अपन जानते हैं एपीज, और स्पीसीज है जिसमें ज़्यादा अपन स्टडी करते हैं वो आ जाएगा मेलिफेरा, और इसकी अदर 5 स्पीसीज हैं उनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन, आपको इनमें से सिर्फ याद रखने वाली ये चीज़ें हैं, हाइमेनोप्टेरा इसका ऑर्डर है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन करने वाले सभी जो इंसेक्ट है वो खास तौर से किस में पाए जाते हैं, हाइमेनोप्टेरा के अंदर रखे जाते हैं। आगे अपन देखें सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर के लिए अपन जानते हैं काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सोशल या ग्रुपिंग के अंदर रहकर ग्रुपिंग बिहेवियर शो करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे मेंबर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर बना दी है, 7th पार्ट है लेक्चर का, और इसमें अपन आज डिस्कस करें डायरेक्टली हनी बी की। तो हनी बी एक ऐसा एनिमल या ऐसा इंसेक्ट है जिसके अंदर सोशली बिहेवियर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक हाई लेवल का देखने को मिलता है, कि उनके जो मेंबर हैं वो एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस प्रकार से सूचनाओं का एक्सचेंज करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और उन्हीं के आधार पर वो अपने जो छत्ते हैं या उनका जो हेव है उनके अंदर क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं या एग है, क्वीन है, वो उनको एग को देती है, जिसके कारण से जो वर्कर हैं वो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, जो ड्रोन या मेल है वो केवल फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए यूज में आते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, मेन रोल उनका वर्कर और फीमेल का है। एक फीमेल एक छत्ते के अंदर पाई जाती है, और एक छत्ते के अंदर कंप्लीट जो प्रोजेनी है, जैसे हो सकता है 5,000 से लेकर लगभग 80,000 के आसपास जो बी है उनके अंदर देखने को मिलती है, मक्खियाँ देखने को मिलती है, तो सभी जो मक्खियाँ होती है वो किसी एक ही फीमेल की प्रोजेनी होती है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एक छत्ते के अंदर पाई जाने वाली सभी मक्खियाँ कैसे होती है,
जीनोटिपिकली सिमिलर होती है, मतलब उनका जीनोटाइप कैसे होता है, सेम होता है। सेम क्यों होता है, क्योंकि एक ही क्यून से बनने वाले सभी प्रोजेनी मिलकर आपस में एक छत्ते का निर्माण करती है। तो ऐसे आगे अपन पढ़ें कि ऐसा इनके कौन से करेक्टर्स हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सोशल बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। Responsible for social behavior. Social behavior के लिए responsible है। सबसे पहली चीज अपन देखें इनकी density in colony या group। मतलब इनकी साइज छोटी होने के कारण से ये एक छत्ते के अंदर अधिक संख्या के अंदर सर्वाइव कर सकती है या एक साथ रहने की प्रवृत्ति में देखी जाती है। मतलब छोटे से स्थान पर भी इनकी डेंसिटी जो है वो कैसी होती है, अधिक होती है। सभी मेंबर ग्रुप में रहते हैं, एक साथ मूवमेंट करते हैं और एक साथ किसी भी जो लार्वा है उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, फूड की सर्चिंग करते हैं, फूड को और ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि अपने जो छत्ता है उस छत्ते से फूड की डिस्टेंस कितनी है। तो ये सभी चीज़ें किस पे हैं कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ही सोशल बिहेवियर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। कोई मेंबर अगर दूर दूर रहेगा तो उनके बीच में कम्युनिकेशन के काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वही मेंबर अगर साथ साथ रहेंगे तो उनमें कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। इसलिए कि डेंसिटी अधिक होने के कारण से डेंसिटी अपनी इसको अपन कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इन कॉलोनी। कॉलोनी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है इनकी, अधिक होती है, जिसके कारण से इजीली ये सोशल बिहेवियर शो कर पाते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, कोई भी जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन में ऑल प्रोजेनी फ्रॉम ए सिंगल फीमेल सभी जो मेंबर होते हैं वो एक ही क्यून से प्रोड्यूस हुए होते हैं या उनकी प्रोजेनी होते हैं। ऑल मेंबर कैसे होते हैं, जीनोटाइपली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सभी काम एक दूसरे को कोऑपरेट करके करते हैं। इनके जो मेंबर हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। जैसे मेंबर की अपन बात करें तो मेंबर जो हैं सबसे लोअर कैटेगरी का जो मेंबर है जिसे अपन कहते हैं वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के बाद में ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स के बाद में फीमेल या मैन जो क्वीन होती है। तो इस प्रकार से तीन कैटेगरी के अंदर इनके मेंबर्स को अपन डाल सकते हैं, वर्कर, ड्रोन और फीमेल क्वीन। फीमेल क्वीन हमेशा सिंगल होती है। दूसरी चीज, दूसरा करेक्टर अपन देखें इनके अंदर, इनके अंदर अपना रहने के लिए बिहेवियर छत्ता बनाने के लिए क्या होती है, इनके अंदर कैपेसिटी होती है। यह अपना जो नेस्ट है या नेट है या अपना जो घोंसला या जो नेट है या छत्ता है उसको बनाने की क्या पाई जाती है, इनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि इनके पास में क्या होते हैं, काफ़ी अधिक संख्या के अंदर क्या होते हैं, वर्कर होते हैं, वो अपना स्थान या जगह बना सकते हैं। दूसरी चीज इसमें एक पेरेंटल केयर टाइप की चीज़ पाई जाती है, जो वर्कर है या एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो लार्वा है से प्रोजेनी तक को क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड फूड।
उन सबको क्या कराते हैं, वो फूड प्रोवाइड कराते हैं। जब उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं तो प्रोजेनी है वो अपनी एडल्ट स्टेज में आ जाती है। मतलब इसको अपन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपन कहें, इनके अंदर हाई लेवल की प्रोटेक्शन केयर और फूड सप्लायर की कैपेसिटी पाई जाती है। जितना ज़्यादा इनमें ये फूड सप्लाई करते हैं तो उनके जो प्रोजेनी है वो अच्छे से पनपते हैं और उनको एडल्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस मिलते हैं। तो इनको फूड प्रोवाइड कराने की कैपेसिटी भी काफ़ी अधिक पाई जाती है। दूसरी चीज, इनके अंदर एक करेक्टर पाया जाता है प्रोफेलेक्सिस जो होती है, ये एक करेक्टर इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये टर्म आपको याद रखना है, प्रोफेलेक्सिस। ये पूछा जा सकता है ट्रोफेलेक्सिस क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना आपको किसी भी एग्जाम में। ट्रोफेलेक्सिस एक ऐसा करेक्टर है जो खास तौर से आंट्स, वास, इसके अलावा टर्माइट्स, इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको अपन कह सकते हैं एक्सचेंज या ट्रांसफर ऑफ फूड टू ईच अदर मेंबर। एक मेंबर से दूसरे मेंबर के अंदर फूड को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी को अपन क्या कहते हैं, ट्रोफेलेक्सिस के नाम से जानते हैं। ये जो फूड का ट्रांसफर करते हैं ये किस प्रकार से करते हैं, जैसे ये है, तो यहां जो दूसरा होगा ये यहां से फूड को इस प्रकार से ट्रांसफर करते हैं, इस प्रकार से माउथ टू माउथ, एक तो माउथ टू माउथ इनमें ट्रांसफर किया जाता है ट्रोफेलेक्सिस के अंदर, माउथ टू माउथ फूड का एक्सचेंज करना, ट्रांसफर करना, या एनस टू माउथ, एनस टू माउथ के द्वारा भी फूड का ट्रांसफर किया जाता है। तो ये करेक्टर अपने आप में एक स्पेसिफिक करेक्टर है ट्रोफेलेक्सिस, उसी के कारण से ये क्या होते हैं, इनकी प्रोजेनी है वो फूड सप्लाई करती रहती हैं और इनके मेंबर जो हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं। तो ये भी इनका एक करैक्टर है। इसके अलावा अगला करैक्टर अपन देखें, फिफ्थ, इनके जो मेंबर्स होते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन ऑर्गन प्रेजेंट, इनके अंदर अपनी सेल्फ की प्रोटेक्शन करने के लिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है। जैसे खास तौर से अपन देखें आंट हैं, इसके अलावा वास्प है और बी है। इनके अंदर अपन कहें डंक पाया जाता है, स्टिंक, इनके अंदर डंक पाया जाता है। और डंक के कारण से ये क्या करते हैं, किसी भी जो प्रीडेटर है या कोई भी दूसरा एनिमल है उनको पॉइजीनियस इंजेक्शन टाइप का लगा देते हैं, जिसके कारण से अपनी सेल्फ की प्रोटेक्शन होती है और प्रीडेटर होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए इनके अंदर स्टिंग या डंक देखने को मिलता है। दूसरी चीज, इनका करैक्टर अगला, लार्ज पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्ज। सबसे मेन करैक्टर है जो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो बी होती है उनके अंदर पॉपुलेशन क्या होती है, एक लार्ज साइज की होती है। लार्ज साइज की होने के कारण से सभी जो मेंबर है वो एक दूसरे के क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, खास तौर से
वर्कर, इन सभी में एक दूसरे की सहायता करने की जो कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है, या जो बिहेवियर है वो देखने को मिलता है। जैसे किसी कंडीशन के अंदर अगर अपन देखें कि डेफिशिएंसी ऑफ फूड, कुछ टाइम पे अगर छत्ते के अंदर भोजन की कमी आने लगती है, तो कमी आने लगती है तो वर्कर के द्वारा किसके ऊपर अटैक किया जाता है? ड्रोन्स के ऊपर अटैक किया जाता है और इन्हें बाहर की तरफ एग्जिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। मतलब अगर छत्ते में फूड की कमी आती है तो सबसे पहले किसको निकाल दिया जाता है? ड्रोन को निकाल दिया जाता है, जिसके कारण से फूड को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, फूड को बचा लेते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, अगर फूड की डिफिशियंसी आती है तो जो क्वीन है उसको फूड सप्लाई कम कर देते हैं। फूड सप्लाई कम करेंगे तो ये एग कम देगी, एग को क्या करेगी, कम करेगी। एग कम होंगे तो इनकी प्रोजेनी कम होगी, प्रोजेनी कम होगी तो फूड है आराम से इनको मिल जाएगा। तो ये भी इनका एक मैनेजमेंट सिस्टम है। पॉपुलेशन के अंदर जो वर्कर होते हैं वो इस प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं। जब फूड की कमी आती है तो उस टाइम इनके हाई लेवल का एक मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है कि फूड की कमी आती है ड्रोन्स को बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है, क्वीन है उनको फूड की सप्लाई कम कर दी जाती है। क्वीन को फूड की सप्लाई जैसे ही कम की जाएगी तो उनकी जो एग है वो देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, एग धीरे धीरे देगी, कम एग देगी तो उसमें क्या होगा, प्रोजेनी भी जो है वो कम बनेगी, और प्रोजेनी जब कम होगी तो लो फूड सप्लाई है वो भी उनको ईजिली सर्वाइव कर जाएगा। तो ये उनके एक बिहेवियर करेक्टर देखने को मिलता है। सोशल पॉपुलेशन के अंदर एक करेक्टर देखने को मिलता है इसको अपन कह सकते हैं नुपेशियल फ्लाइट, नुपेशियल या नुपेशियल फ्लाइट बोल सकते हैं इसको। कामद उड़ान के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो जो नुपेशियल होता है उसका वैवाहिक संबंध होता है। ये उड़ान जो भरते हैं उस टाइम पे उड़ान कौन कौन भरते हैं? एक तो ड्रोन प्लस क्वीन, कौन कौन भरते हैं? जो न्यूपिशियल फ्लाइट है ये याद रखना आपको, टर्म इंपॉर्टेंट है। इस फ्लाइट के अंदर ड्रोन प्लस क्वीन दोनों फ्लाइट करते हैं, मतलब उड़ते हैं। उड़ने के बाद उड़ते उड़ते इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा हवा के अंदर होता है उड़ते हुए, तो उस फ्लाइट को अपन क्या बोलते हैं, नुपेशियल फ्लाइट के नाम से जानते हैं। जैसे ही फीमेल फर्टिलाइज होती है क्वीन, तो ये कहाँ पे आ जाती है, इनका जो छाता है ये इसमें चली जाती है। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्वीन जो है वो अपने छत्ते के अंदर चली जाती है, जबकि ड्रोन जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। मतलब ड्रोन का सिर्फ जो फंक्शन है वो इतना ही है, फर्टिलाइजेशन तक सर्वाइव करते हैं और लास्ट उड़ान भरते हैं, उसको अपन बोलते हैं न्यूपिशियल फ्लाइट। इस उड़ान तक वो सर्वाइव करते हैं, जैसे ही फीमेल को फर्टिलाइज करते ही ड्रोन जो है वो वहाँ से उनकी डेथ हो जाती है और क्वीन जो है वो अपने छत्ते के अंदर आ जाती है। छत्ते के अंदर जैसे ही आती है तो उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। प्रोटेक्शन कौन करेगा? वर्कर के द्वारा एक स्पेशल चैम्बर बनाया जाएगा जिसे क्वीन सेल के नाम से जानते हैं, और उस क्वीन सेल के अंदर फीमेल को रखा जाएगा। फीमेल उस क्वीन के अंदर रहते हुए उसे रॉयल जेली नामक फूड दिया जाता है। इसको फूड कौन सा दिया जाएगा? रॉयल जेली, ये इनका क्या है, फूड है। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि जो क्वीन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब वो एग देती है उस टाइम पे जो छत्ते के अंदर रहती है उस टाइम पे उसको कौन सा फूड हमेशा उसको सप्लाई किया जाता है, तो रॉयल जेली नामक जो फूड है उसको सप्लाई किया जाता है। किसके द्वारा? वर्कर के द्वारा। ये फूड उसी हिसाब से दिया जाता है, जितना ज़्यादा फूड दिया जाता है उतने ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है। ये लाइफ टाइम एक ही बार फर्टिलाइज होती है, एक बार अगर फर्टिलाइज होती है तो ये हमेशा कम से कम भी 3 या 4 साल तक
एग देती रहती है, मतलब एक छाते के अंदर ये कंटिन्यू फिर एग देती रहती है और उसको फूड सप्लाई किया जाता है, वो है रॉयल जेली फूड। ये आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन के अंदर अपन देखें, अगर जैसे ये क्वीन आती है, यहां ये क्वीन इस छाते के अंदर आई, तो हो सकता है अगर इस छाते के अंदर दूसरी क्वीन पहले से प्रेजेंट हो, ये क्वीन पहले से प्रेजेंट हो, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, फाइट। इनमें से जो ज्यादा बेस्ट होगी, जो ज्यादा विन करेगी, विजयी होगी, उसी को यहां पर सरवाइव करने दिया जाएगा और दूसरे को यहां से क्या होगा, छाता छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर एक छाते के अंदर एक से अधिक क्वीन आती है तो उनके बीच में फाइटिंग होगी, उस टाइम में जो ज्यादा विन होगी, विजयी होगी, सर्वाइव करेगी, वही वहां पर स्टेबल होगी, अदरवाइज दूसरे को यहां से रिमूव कर दिया जाता है। इन पॉपुलेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है, वो किसके द्वारा किया जाता है, खास तौर से फेरोमोन्स के द्वारा किया जाता है। फेरोमोन्स के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है एक छाते के अंदर। वैसे तो अलग अलग बिहेवियर है इनके, खास तौर से डांसिंग के जो बिहेवियर है वो अलग होते हैं। आगे अपन देखें, इनकी पांच स्पीसीज होती है जिनके बारे में स्टडी की गई है, उन पांचों स्पीसीज के आपको नाम बता देता हूँ। काफ़ी एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सी स्पीसीज सबसे स्मॉल है, कौन सी स्पीसी सबसे ज़्यादा है, कौन सी स्पीसीज है जो एपिकल्चर के अंदर यूज में आती है, तो उनके बारे में अपन देखते हैं कि पांच स्पीसीज कौन सी हैं। जैसे इनमें से देखें अपन कि जो इनकी पांच स्पीसीज देखने को मिलती है वो कौन सी स्पीसीज है, जैसे एपीज डोरसेटा। एपीज डोरसेटा जो है उसका नाम है रोक बी के नाम से जानते हैं, और रोक बी जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट बी होती है, मतलब जो भी हनी बी है उन हनी बी में से सबसे लार्जेस्ट बी जो होती है वो कौन सी होती है, डोरसेटा, एपीज डोरसेटा, और ये लार्जेस्ट बी है। सेकंड एपीज फ्लोरिया, एपीज जो फ्लोरिया है वो लिटिल बी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट बी होती है, सबसे छोटी बी होती है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट बी डोरसेटा और स्मॉल या स्मॉलेस्ट बी की बात करें अपन तो फ्लोरिया, जिसे लिटिल बी के नाम से जानते हैं, और रोक बी के नाम से जानते हैं डोरसेटा। एपीज इंडिका, एपीज मेलीफेरा, दोनों जो हैं ये तो एक इंडियन है, एपीज इंडिका नाम से ही है, और मेलीफेरा जो है यूरोपियंस है जिसके ऊपर ज़्यादा स्टडी की गई है, और दोनों ही कैसी हैं आपको ये भी याद रखना है, दोनों ऐसी स्पीसीज है जिनको एपीकल्चर के लिए मधुमक्खी जो पालन है उसके मधुमक्खी पालन के लिए यूज में ली जाती है, शहद के लिए, एपीकल्चर के लिए, वो कौन सी, एपीज इंडिका और एपीज मेलीफेरा। और एक है लास्ट एपीज एडम्सोनी, जैसे अफ्रीकन बी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये पांच स्पीसीज है जो इसकी देखने को मिलती है। आगे अपन देखें कि खास तौर से ये जो फूड सप्लाई करते हैं, इनका जो फूड है, जो वर्कर लेके आते हैं वो फूड के लिए खास तौर से यूज में लेते हैं ये नेक्टर और इसके अलावा पोलन ग्रेन, नेक्टर और पोलन ग्रेन को यूज में लेते हैं, और उसी को ये दूसरी जहां भी डिस्टेंस पे उनको फ्लोवर पोलन ग्रेन या नेक्टर देखने को मिलता है वहां से ये सर्चिंग करके आते हैं और अपने छत्ते के अंदर आते हैं और उनको सूचनाएं देते हैं। अब इनके जो मेंबर हैं उन मेंबर्स की बात करते हैं। जैसे पहला जो मेंबर है, इनमें मैंने आपको बताया था तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला जो मेंबर है वो आ जाएगा वर्कर। इनकी बेसिक जानकारी है ये केवल एक कि भाई थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन है वो कोई भरोसा नहीं है, किस टाइप का किस
हिसाब से पूछा जाए, आरपीएससी का लेवल आप जानते भी हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क खाते हैं। तो इसलिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है कि वर्कर है क्या। वर्कर जो क्या होता है, एक सबसे पहला करेक्टर स्टेराइल फीमेल। ये कैसी है, एक स्टेराइल फीमेल होती है, आपको ये याद रखना हमेशा। ये मेल है या फीमेल होते हैं, वर्कर जो होते हैं वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। तो वर्कर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फीमेल होते हैं, और फीमेल भी कैसे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। दूसरी चीज, ये डिप्लोइड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि वर्कर हैप्लोइड होते हैं, डिप्लोइड होते हैं, मेल है या फीमेल है, ये फीमेल होते हैं, डिप्लोइड होते हैं। इसके अलावा साइज जो होती है वो इनकी स्मॉल साइज होती है। दूसरी चीज, डार्क ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, या ब्राउन या ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, स्मॉल साइज होती है इनकी। इसके अलावा इनके अंदर देखा जाए तो नॉर्मल जो है लेग्स पाई जाती है, दो कंपाउंड आई पाई जाती है, और नॉर्मल आई देखने को मिलती है। और इनके अंदर खास तौर से जो फोर लेग है, आगे वाले जो पैर है, उनके जो कुछ विशेष करेक्टर हैं वो देखने को मिलता है कि पोलन ब्रश पाई जाती है, पोलन ब्रश मतलब कुछ हल्के जो ब्रश टाइप के कुछ रवे निकले हुए रहते हैं उसको अपन बोलते हैं पोलन ब्रश। इसके अलावा आई ब्रश ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंटीना तो वो हेड के ऊपर देखने को मिलता है, एंटीना क्लीनर। इसके अलावा अपन देखें एब्डोमिनल पार्ट जो है, एब्डोमिनल पार्ट, उसके ऊपर वैक्स ग्लैंड का देखना मिलता है। वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और वैक्स ग्लैंड के कारण से ही इसका जो हीव होता है या छत्ता होता है उसका निर्माण किया जाता है। क्योंकि जो हीव या छत्ता होता है वो किसका बना होता है, एक वैक्स का बना होता है। और ये वैक्स की जो ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, जो वर्कर होती हैं उनकी एब्डोमिनल जो पोर्शन है उसके ऊपर ग्लैंड्स पाई जाती है। इसके अलावा इसके एब्डोमिनल पार्ट के अंदर डंक पाया जाता है, डंक इनका एक विशेष करेक्टर है, वर्कर के अंदर डंक देखने को मिलता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा एब्डोमिन के अंदर पॉइजन सैक देखने को मिलता है, मतलब पॉइजन सैक मतलब एक थैली पाई जाती है छोटी सी पॉइजनियस की, जिसके कारण से डंक को यूज में लेते हैं, और डंक की सहायता से वो पॉइजनस को अगले किसी भी प्रेडेटर के अंदर वो इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो एसिडिक ग्लैंड, दो एसिडिक ग्लैंड देखने को मिलती है, जबकि एक वन एल्केलाइन ग्लैंड देखने को मिलती है। जो वर्कर होते हैं उनके अंदर दो तो एसिडिक ग्लैंड पाई जाती है और एक एल्केलाइन ग्लैंड पाई जाती है। इनके अंदर डंक होता है और वैक्स ग्लैंड देखने को मिलती है। सेकंड मेंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ड्रोन्स। ये बेसिक बेसिक जो करेक्टर हैं वो आपको थोड़ी याद रखने, ये उतार लेना इसका। फोर लेग के ऊपर क्या पाया जाता है, पोलन ब्रश और आई ब्रश पाया जाता है, या एंटीना क्लीनर भी बोल सकते हैं, एंटीना क्लीनर भी पाया जाता है। एंटीना क्लीनर सेकेंड मेंबर आ जाएगा अपना ड्रोन। सेकेंड मेंबर ड्रोन, ड्रोन को अपन जानते भी हैं कि ड्रोन कैसे होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, मतलब फर्टिलाइज करने में वो सक्षम होते हैं, फर्टाइल होते हैं, मेल होते हैं। सबसे बड़ा करैक्टर है इसका ये हैप्लोइड होते हैं,
कैसे होता है ये? काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्कर होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं हर एम्प्लॉयड होते हैं, तो वर्कर हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, जबकि जो ड्रोन होते हैं या जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? हैप्लॉयड होते हैं। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। मतलब जो हनी की जो क्वीन है, ये जो बी है, बी में जो क्वीन मेंबर होता है, क्वीन के अंदर पार्थेनोजेनेसिस की कैपेसिटी पाई जाती है, कि मतलब जो एग देती है, कुछ एग वो अनफर्टिलाइज्ड एग देती है, और अनफर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं, सीधी सी बात है, एग जो होता है, ओवम जो होता है, वो कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। और अगर ये ओवम डायरेक्टली प्रोजेनी के अंदर बनता है तो ये डायरेक्टली बनेगा मेल के, तो ये मेल में कन्वर्ट होगा। इसीलिए मेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। ड्रोन हैप्लॉयड होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है ड्रोन का, वो मैंने आपको बताया था, नुपिशियल फ्लाइट के अंदर देखने को मिलता है। ये जो उड़ान भरते हैं, इसको अपन उड़ान बोलते हैं, या इसे अपन सेक्सुअल फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्सुअल फ्लाइट उड़ते हैं अपनी सीजन के अंदर, ये एक बार उड़ते हैं किसके साथ में? क्वीन के साथ में। ड्रोन, और उड़ने के बाद में क्या करते हैं? ये फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो क्वीन होती है वो तो छत्ते के अंदर चली जाती है, और जो ड्रोन है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये करेक्टर मैंने पहले भी आपको समझाया है कि ड्रोन जो है वो एक फ्लाइट, कामद फ्लाइट या उड़ान भरता है, नुपिशियल फ्लाइट परफॉर्म करता है, जिसके कारण से उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के। तो अगला जो मेंबर आ जाएगा, एक इसमें करेक्टर है कि इसमें जो इसका एब्डोमिनल जो है, इसके अंदर स्टिंग एब्सेंट होता है, जबकि वर्कर के अंदर डंक एक विशेष करेक्टर है, डंक पाया जाता है, जबकि इसके अंदर जो ड्रोन है या जो फर्टाइल मेल है उसके अंदर डंक है वो हमेशा क्या होता है? एब्सेंट होता है। थर्ड मेंबर अगर अपन देखें, क्वीन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ रहा है, काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट बिहेवियर इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करना है अपने को, तो ये इसी वीडियो में बना दूंगा आपको कंप्लीट जो हनीबी का जो बिहेवियर है। अगला एग्जांपल मतलब किसी अगला मेंबर का देखेंगे अपन, तो हनीबी का जो बिहेवियर वो इसी में आ जाएगा कंप्लीट। क्वीन, क्वीन का एक जनरल अपन देखें तो क्वीन जो होती है वो कैसी होती है? फर्टाइल फीमेल होती है, साइज में लार्ज होती है, और डिप्लोइड होती है। सबसे मेन करेक्टर है क्वीन फर्टाइल फीमेल, डिप्लोइड फीमेल होती है, और साइज में हमेशा कैसी होती है? लार्ज होती है, दूसरी चीज एक छाते के अंदर ये कैसी होती है? सिंगल होती है। इनका जो मेन फंक्शन है वो केवल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड लेइंग एग्स, इनका फर्टिलाइजेशन करना और अंडों को देना, यही इनका क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। तो ये इसका फंक्शन है क्वीन का। इसके अलावा अगला करेक्टर मैंने पहले ही बताया था कि जो वर्कर होते हैं, वर्कर के द्वारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जब एग मतलब या कहें अपन फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये छाते के अंदर होती है तो उस टाइम पे उसको फूड दिया जाता है, उस फूड को अपन
रॉयल जेली फूड दिया जाता है। और रॉयल जेली फूड किसके द्वारा दिया जाता है इनको? वर्कर के द्वारा दिया जाता है। तो ये इनका फूड होता है। इसके अलावा अपन देखें इनके अंदर वैक्स ग्लैंड और जो पोलन ब्रश है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये छाते का निर्माण करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि जो पूरा छाते का निर्माण है वो पूरा डिपेंड होता है किसके ऊपर? वर्कर के ऊपर। तो वर्कर के अंदर वैक्स ग्लैंड होना कंपलसरी है, इसलिए उनके अंदर वैक्स ग्लैंड है वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसमें विकसित हुई होगी। लेकिन जो क्वीन है उन्होंने कभी भी इस प्रकार का कोई यूज में नहीं लिया अपना फंक्शन, अपनी बॉडी का फंक्शन, इसलिए उनके अंदर किसी भी प्रकार के वैक्स ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ या पोलन ब्रश है वो प्रेजेंट नहीं है कि वहाँ से इनको पोलन लेके आना पड़े, नेक्टर लेके आना पड़े। इसलिए जबकि वर्कर के अंदर पोलन ब्रश पाई जाती है जिसकी सहायता से वो क्या लेके आते हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी जो नेक्टर हैं या पोलन ग्रेन्स का जो अपन कहें जो कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लेके आते हैं, जिसके कारण से वो क्या बनाते हैं? हनी बनाते हैं। तो पोलन ब्रश वगैरह इसमें वैक्स ग्लैंड वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो क्यों इनके अंदर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं? इनकी जो साइज मैंने बता दिया ये लार्ज होती है, 15 से 17 एमएम के आसपास होती है। इनकी जो साइज है वो 15 से 17 एमएम के आसपास होती है। ये क्वीन थी। आगे अपन देखें लाइफ साइकिल, देखें अपन लाइफ साइकिल। किसी भी जो हनी बी है हनी बी की लाइफ साइकिल अगर अपन देखें तो उसमें मेन जो तीन कैटेगरी के जो मेंबर देखने को मिलते हैं लाइफ साइकिल में, जैसे मैंने यहां तक आपको बता दिया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां से होता है? जो ड्रोन है और जो क्वीन है उनके बीच में जो फ्लाइट होती है न्यूपिशियल फ्लाइट होती है उसके कारण से इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 3 डेज ये क्या देना स्टार्ट करती है? एग लेइंग। एग देना क्या कर देती है? स्टार्ट कर देती है। मतलब फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 3 डेज के बाद में ये एग देना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा कुछ जो एग जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं? फर्टाइल एग होते हैं। वो फर्टाइल एग जो हैं वो तो किसमें कन्वर्ट होंगे? वर्कर। जबकि कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? ड्रोन या मेल। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? हाइप्लॉइड होते हैं, क्योंकि दो प्रकार के एग प्रोड्यूस करती है, एक तो फर्टाइल एग जो वर्कर बनते हैं या क्वीन बनती है, इन्हीं से कोई एग जो होती है वो क्या बनती है? क्वीन बनती है। और जो ड्रोन होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसके अलावा पर डे के अंदर अपन देखें दस हजार एग देती है, पर डे के अंदर 10,000 एग देती है, और लाइफ टाइम दस लाख एग के आसपास ये देती है। तो ये इनके एग होते हैं। मतलब एक बार
ये आपको समझना है कि अगर हनी बी एक बार फर्टिलाइज हो जाए तो वो लाइफ टाइम तक क्या होती है, एग देती रहती है, और जितना ज़्यादा फूड मिलेगा उतना ही उसके एग देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, इनमें एक मैनेजमेंट सिस्टम पाया जाता है वर्कर के द्वारा कि अगर इनके छाते में फूड की सप्लाई कम होती है तो फीमेल को फूड देना कम कर दिया जाता है, ड्रोन्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है, और जैसे ही फूड क्वीन को कम दिया जाता है तो ये एग कम देगी, कम एग देगी तो फूड सप्लाई की आवश्यकता कम पड़ेगी, तो फूड को मैनेजमेंट किया जा सकता है। आगे अपन देखें, एग देने के इन्होंने जो एग दिया है, एग के 3 डेज बाद, आफ्टर थ्री डेज के बाद में एग जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्फोटन होते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट ही कहें वो कैसे होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, मतलब टूटते हैं। जैसे ही ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट होते ही इनमें से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, और वो किन के अंदर होते हैं, चैम्बर के अंदर होते हैं, चैम्बर या जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, इनके जो सेल्स होते हैं वो हेक्सागोनल टाइप के होते हैं, इस प्रकार से हेक्सागोनल होते हैं, और इनके अंदर लार्वा जो होते हैं, इन लार्वा को यहाँ पर एग दिए जाते हैं, और इन चैम्बर के अंदर लार्वा जो है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होता है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले एग दिए जाते हैं, एग से ब्लास्ट होता है, एग ब्लास्ट होते ही उनमें से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, तो जब जैसे ही जो लार्वा बनता है उनको 2 डेज तक तो उनको कौन सा फूड दिया जाता है, जो जेली फूड है, मतलब और आफ्टर 3 मतलब 2 दिन तक जो लार्वा है उनको रॉयल जेली फूड दिया जाता है, लेकिन 3रे दिन के बाद में उनको बी ब्रेड फूड, ये उनको लार्वा को 2 दिन के बाद में, जो थर्ड डे के बाद में उनकी जो फूड है उनकी क्वालिटी चेंज कर दी जाती है, उससे पहले उनको दिया जाता है रॉयल जेली फूड, और 3 दिन के बाद में उनको बी ब्रेड फूड दिया जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई लार्वा क्या बन गया, क्वीन, अगर इनमें से कोई लार्वा क्वीन बनने वाला है, उस क्वीन को ऑलवेज फूड दिया जाता है, मतलब नॉर्मल जो होते हैं उनके फूड को चेंज कर दिया जाता है, क्वालिटी चेंज कर दी जाती है, जबकि अगर कोई लार्वा क्वीन में कन्वर्ट होने वाला है तो उसको हमेशा से स्टार्टिंग से लास्ट तक उसके मोर्फोजेनेसिस या मेटामोर्फोजेनेसिस है वहां तक उसको रॉयल जेली फूड है वो प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें साथ साथ अपन देखें, जैसे जैसे फूड देते जाते हैं वैसे वैसे विद इन वीक, मतलब 1 वीक तक इनके अंदर मोल्टिंग देखने को मिलती है, और मोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि तो एग के जो लार्वा हैं उन लार्वा के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, और अपना जो कवर होता है उस कवर को छोड़ते हुए एक अलग ढांचा निर्माण करते रहते हैं, तो अपनी जो कवरिंग है उसको छोड़ना और एक नई आकृति प्राप्त करना, इस प्रकार से उनके अंदर अलग 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 शेप अलग अलग स्टेज आती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। मोल्टिंग का मतलब कोई भी लार्वा जो है या लार्वा से लार्ज जो स्टेज है उस टाइम पे अलग अलग आकृति और पहली आकृति को त्यागना और नई आकृति को शेप में लेना, वो जो कंडीशन है उसे अपन क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं। तो इनके अंदर मोल्टिंग जो है वो
एक हफ्ते तक कंटिन्यू चलती रहती है। इसके अलावा लास्ट के अंदर ये जो लार्वा है, इन लार्वा को सेल के अंदर पैक कर दिया जाता है। ये चीज़ याद रखना है कि जो लार्वा है उन लार्वा को मोल्टिंग के लिए सेल के अंदर पैक कर उनको वैक्स की सहायता से बाई वर्कर, क्योंकि वर्कर के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, वैक्स ग्लैंड होती है, और उनको पैक करके उस गेट को जो होता है चैम्बर या सेल होती है उसके गेट को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। किसकी सहायता से? वैक्स की सहायता से। और उस चैम्बर के अंदर क्या होते हैं? लार्वा होते हैं। लार्वा को सेल के अंदर रखकर और उसके जो सेल होती है उस सेल के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट उनको फूड की आवश्यकता पड़ेगी उतना फूड पहले से रख दिया जाता है वर्कर के द्वारा, और फूड उनके अंदर रखकर उसको जो सेल है उस सेल को बाहर से ढक दिया जाता है। किसकी सहायता से? वैक्स की सहायता से। कि तब तक वो जब तक उसके अंदर पनपता रहे, उसके अंदर मोल्टिंग चलती रहे, मेटामॉर्फोसिस चलती रहे, तब तक वो उनको फूड मिलता रहे लार्वा को और वो अंदर ही अंदर पनपता रहे, इसलिए उसको पैक कर उसको बंद कर दिया जाता है वैक्स की सहायता से। कुछ टाइम बाद यहां से जब निकलता है, जिन चैम्बर के अंदर इनको पैक किया गया था उनके अंदर से क्या निकलता है? प्यूपा निकलता है। ये प्यूपा इनके चैम्बर से रिलीज होता है और ये जो प्यूपा है वो अपने चारों तरफ कुछ सिल्क टाइप का सीक्रेट करता है। इस प्रकार से एक सिल्क अपन कहें या जो कॉटन टाइप का जो सिल्क होता है जो शहतूत के ऊपर अपन पालते हैं, जो सिल्क वॉर्म होता है वो सिल्क टाइप का इसलिए अपने ऊपर चारों तरफ ये क्या करता है? सीक्रेट करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? कोकून के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या बन गई? अब सबसे पहले लार्वा को पैक किया गया किसके द्वारा? वर्कर के द्वारा सेल के अंदर। जैसे ही वर्कर के द्वारा इसको पैक किया गया, इसमें जो भी फंक्शन है, डेवलपमेंट है, वो होते हैं। उसके बाद में जो रिलीज होता है वो क्या बनता है? प्यूपा बनता है। प्यूपा अपने चारों तरफ सीक्रेट करता है सिल्क, सिल्क को सीक्रेट करता है, और उस सीक्रेट के कारण से उसकी स्ट्रक्चर बनती है कोकून। ये कोकून बनता है। कोकून के अंदर क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी अपन जानते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर लार्वा से किसी ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर शेप का ढलना, मतलब जो पहले है जिसके अपन यूं कहें पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन है वो विकसित नहीं हो, और धीरे धीरे सभी ऑर्गन अगर उनके बनने लगते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से ये बनने लगते हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये सभी ऑर्गन जब बन जाएंगे तो लार्वा से लेकर या प्यूपा से लेकर धीरे धीरे उनके अंदर मॉडिफिकेशन होना और मॉडिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, ये धीरे धीरे एक सिक्वेंशियल प्रोसेस होती है। उस सिक्वेंशियल प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस का मतलब होता है आकृति का फॉर्मेशन, पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन। मॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन। अलग अलग आकृति का फॉर्मेशन किया जाता है और एक पर्टिकुलर एडल्ट आकृति का निर्माण किया जाता है। और धीरे धीरे ये जो कोकून है, कोकून के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो क्या बनता है? बी में डेवलप होता है, और ये जो बी बनती है वो बी क्या बनती है और कोकून को क्या कर देती है? कट कर देती है। कोकून को कट करती है और कट करके रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल या इनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आगे अपन देखें इनके एग के डेवलपमेंट होने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा आप देख सकते हो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वीन है,
एग है इसको कंप्लीट डेवलपमेंट होने के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए वो 16 डेज का होता है। इतना कोई पूछता नहीं है। ड्रोन, ड्रोन की अगर अपन देखें तो 24 डेज, एग से लेकर कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए 24 दिन का टाइम लगता है। वर्कर की अगर अपन बात करें, वर्कर को 21 डेज लगता है। सबसे कम टाइम जो क्वीन के अंदर लगता है, क्यों लगता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, इनको अच्छी क्वालिटी का जो फूड है वो दिया जाता है। जो रॉयल जेली फूड है जो क्वीन को दिया जाता है, वो लार्वा के टाइम पर भी इनको फूड दिया जाता है, रॉयल जेली फूड, इसलिए इनका डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होता है और थोड़ा सा फास्ट होता है। क्वीन का अपन लाइफ टाइम देखें, क्वीन का लाइफ टाइम देखें तो 3 से 4 ईयर के आसपास होता है। मतलब कितने साल तक जीवित रहती है, तो इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो 3 से 4 साल तक देखने को मिलता है। इसके अलावा जो क्वीन है उसके जो हेड वाला पोर्शन है उसके अंदर मैंडिबुलर, क्वीन के अंदर ग्लैंड पाई जाती है जो किसके अंदर होता है, हेड के अंदर होता है। तो जो क्वीन हेड है उसके अंदर मैंडिबुलर ग्लैंड देखने को मिलती है जो एक क्वीन सब्सटेंस रिलीज करता है। एक सब्सटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं क्वीन सब्सटेंस, क्वीन सब्सटेंस इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। बस आपको इतना से याद रखना है जो क्वीन होता है उसके हेड के अंदर ग्लैंड पाई जाती है उसे बोलते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड। इसके अलावा इसके अंदर देखें जो मधुमक्खी का या जो मक्खी का छत्ता होता है उस छत्ते के अंदर हेक्सागोनल सेल्स देखने को मिलती है। इस प्रकार के मैंने पहले ही बताए थे आपको कि ये जैसे कोई प्लांट है, प्लांट की कोई ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर अगर इस प्रकार से इस प्रकार से ये जो ब्रांचेज होती है, इन ब्रांचेज से इस प्रकार से जो छाता लगा होता है, सबसे ऊपर की तरफ अगर अपन पोर्शन देखेंगे तो ये वाले जो रीजन है, ये वाले रीजन है, ये रीजन जो है इनको अपन बोलते हैं अपर सेल या अपर पार्ट। इस अपर पार्ट में क्या होता है, हनी होता है या फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज सबसे कहाँ होता है, सबसे अपर की तरफ होता है। सेकंड अपन देखें सेंट्रल या लोअर पार्ट, मतलब ये जो पोर्शन होते हैं खास तौर से लोअर साइड में या सेंट्रल साइड में, इनके अंदर क्या होते हैं, लार्वा प्रेजेंट होते हैं और इन सेल को अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रॉड सेल, ब्रॉड सेल के नाम से भी जानते हैं जिनके अंदर लार्वा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वर्कर सेल होते हैं, इनकी कोई भी जो ये वर्कर सेल है, ये वर्कर सेल है, इनके अंदर क्या होते हैं, वर्कर लार्वा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मेल ड्रोन होते हैं, इनके साइड के अंदर ही जो होते हैं वो चैम्बर होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ड्रोन सेल बोलते हैं। इसके अलावा क्वीन सेल, क्वीन सेल जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, साइड में होती है, दिखने में कैसी होती है, लार्ज होती है, ये क्वीन सेल है, ये दिखने में कैसी होती है, लार्ज होती है और हमेशा किनारों के ऊपर खास तौर से ये देखने को मिलती है।
तो ये इसकी जो हीव है उसका करेक्टर है, और किसका बना होता है ये जो हीव है या छाता है वो हेक्सागोनल सेल से बने होते हैं। प्रत्येक हेक्सागोनल सेल्स है वो किससे बने होते हैं, वैक्स से बने होते हैं। जो मैंने आपको बता दिया पहले भी कि जो वर्कर होते हैं उनके अंदर एब्डोमिनल पार्ट के अंदर वैक्स ग्लैंड देखने को मिलती है। उस वैक्स ग्लैंड के अंदर क्या होता है, वैक्स रिलीज किया जाता है और वैक्स की सहायता से वहाँ पर क्या बनाया जाता है, हेक्सागोनल सेल्स बनाए जाते हैं, और वो सभी हेक्सागोनल सेल्स मिलकर एक कंप्लीट छाते का फॉर्मेशन करते हैं। आगे अपन देखें कम्युनिकेशन। इन बी मतलब जो मक्खी होती है उनके अंदर कम्युनिकेशन किस प्रकार का देखने को मिलता है, तो यहां पर कम्युनिकेशन के ऊपर दिया गया है। कम्युनिकेशन खास तौर से इनकी जो लैंग्वेज की अपन बात करें, लैंग्वेज ऑफ बी, लैंग्वेज बी खास तौर से इनके अंदर संकेतिक होती है, मतलब एक दूसरे को संकेत के द्वारा महसूस कराते हैं, और कुछ जो लैंग्वेज है इनके अंदर फिरोमोन्स को यूज में लिया जाता है, लेकिन खास तौर से जो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस है, डांस या संकेतों के माध्यम से ये क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज या एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, अपने जो ऑर्गन है उनको हिलाकर अपने उनको मूवमेंट कराकर ये डांस परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण से इनमें बीच में कम्युनिकेशन देखा जाता है। एक जो हीव है कम्युनिकेशन थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि एक हीव के अंदर नॉर्मल देखा जाए 5000 से लेकर 80000 तक बी प्रेजेंट होती है, तो जितनी ज़्यादा इनके अंदर पॉपुलेशन होती है उतना ही इनके अंदर कम्युनिकेशन जो होता है वो थोड़ा सा इजीली होता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया भी है आपको कि जितनी भी जो बी होगी वो सभी बी क्वीन की क्या होगी, प्रोजेनी होगी, सिंगल क्वीन की प्रोजेनी होगी। इसका मतलब जीनोटाइपली रूप से कैसे होंगी, जीनोटाइपिकली सिमिलर होंगे, जीनोटाइपिकली कैसे होते हैं, ये सिमिलर होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर खास तौर से कार्ल वॉन फ्रिश, ने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब कार्ल वॉन ने इनके ऊपर प्रयोग किया था लगभग 20 ईयर। इनका जो कम्युनिकेशन है, अगर बी से पूछा जाए कि कम्युनिकेशन के ऊपर जो वर्क है वो किसने किया था, तो कार्ल वॉन के अंदर लगभग 20 साल तक इनके ऊपर वर्क किया था, और इन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए खास तौर से ये क्या यूज में लेते हैं, डांस। कम्युनिकेशन का सबसे जो मेन सोर्स है इनका वो क्या होता है, डांस होता है। डांस के ऊपर काफ़ी वर्क किया है इन्होंने। इसके साथ कुछ जो को वर्कर हैं उन्होंने भी वर्क किया था, जैसे कॉनराड लॉरेंज, और इसके अलावा देखा जाए तो टीनबर्गन, निको टीनबर्गन। इन तीनों ने भी इसके ऊपर, इन दोनों ने भी इनके ऊपर वर्क किया था। जो मक्खी है उसका कम्युनिकेशन के लिए मेन जो वर्क किया था वो था कार्ल वॉन फ्रिश ने किया था, और इसके अलावा जो कॉनराड लॉरेंज है, जो अपन जानते भी हैं फादर ऑफ इथोलॉजी है, थोड़ा ध्यान में रखना फादर ऑफ इथोलॉजी कौन सा है, कॉनराड लॉरेंज है। इसके साथ में टीनबर्ग ने वर्क किया था। इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। नाइनटीन सेवेंटी थ्री के अंदर इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसमें एक स्काउट इन्होंने बताया
इन तीनों ने मिलकर एक चीज़ बताया कि जो हीव होता है या छाता होता है उसके अंदर एक स्काउट बी होती है। ये जो स्काउट है, स्काउट बी देखने को मिलती है, स्काउट बी जो सबसे पहले अपने छाते से उड़ान भरती है और जहाँ पर इनको जो फ्लावर दिखाई देता है, इस प्रकार से वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ से ये क्या देखते हैं, नेक्टर देखते हैं और पोलन ग्रेन देखते हैं। मतलब इन हीव के अंदर जो मक्खी होती है, वर्कर होती है, उनमें से कोई वर्कर जो है वो स्काउट बी की या स्काउट के रूप में वर्कर करता है या वर्क करता है, वो क्या करता है, यहाँ से मूवमेंट करता है। मूवमेंट करते हुए किसी जी नियरेस्ट जो भी स्थान है उसके आसपास में नेक्टर और पोलन ग्रेन की सर्चिंग करता है खासतौर से। और इनकी जो सर्चिंग होती है एक राउंड के अंदर, इनकी वन राउंड के अंदर खासतौर से 10 किलोमीटर के आसपास इनका वन राउंड होता है जो फूड का सर्चिंग करते हैं। और जब ये यहाँ से वापस आते हैं, जब वापस यहाँ से अपने छाते के अंदर आते हैं, तो ये डिफरेंट प्रकार का डांस परफॉर्म करते हैं। मतलब अपने छाते के ऊपर आते हैं, छाते के ऊपर आते ही सभी जो मेंबर हैं, उन सभी मेंबर जो हैं वो इनको देखते क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। सेम मतलब बता रहा हूँ, अपने सामान जो होता है सेम उसी प्रकार से जो सूचना लेके आता है उस सूचना को सुनने के लिए सभी मेंबर क्या होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सेम इसी प्रकार से सभी जो वर्कर होते हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उनको सबको इकट्ठा होने के बाद में ये छाते के ऊपर क्या करता है, डिफरेंट प्रकार का क्या करता है, डांस परफॉर्म करता है। डांस परफॉर्म का मतलब है, आप समझ रहे हो कि खास तौर से अपना जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है उसको भी मूवमेंट करता है हल्का सा और घूमता है, राउंड प्रकार का घूमता है या फिर एट प्रकार का ये घूमता है, इस प्रकार का डांस करता है। डांस करने के कारण से सभी जो मेंबर है वो इसकी भाषा जो है वो समझ जाते हैं और समझने के बाद में सभी मेंबर जो मिलते हैं और वो फूड की सर्च में अपना जाते हैं और वहाँ से नेक्टर या पोलन ग्रेन्स है वो लेकर आते हैं। तो सूचना के लिए इनमें स्काउट बी देखने को मिलता है। तो जब ये डांस परफॉर्म करते हैं सभी मेंबर, जब डांस परफॉर्म करते हैं दो प्रकार के डांस करते हैं, दो प्रकार के डांस परफॉर्म करते हैं, एक तो राउंड डांस और सेकंड आ जाएगा अपना विगल डांस, टेल विगल डांस। सेकंड आ जाएगा टेल विगल डांस। राउंड जो डांस है उसको रंटोज के नाम से जानते हैं, रंटेंज के नाम से जानते हैं, जबकि जो टेल वेगल डांस है उसको अपन स्वान स्वान के नाम से जानते हैं, स्वान जेटन स्वान जेटन डांस के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार के डांस परफॉर्म किए जाते हैं। जो भी मेंबर जो है वो डिस्टेंस पे जब फूड की सर्चिंग के लिए जाते हैं या फूड को लेने के लिए जाते हैं, दो प्रकार के डांस परफॉर्म करते हैं। पहला जो राउंड डांस है ये हमेशा तभी परफॉर्म किया जाता है कि जब जो फूड का सोर्स है, फूड सोर्स डिस्टेंस फ्रॉम हीव कितनी हो, 100 मीटर। जब फूड की जो डिस्टेंस है छाते से लेकर करीब
100 मीटर के आसपास हो तो उनको राउंड परफॉर्म, राउंड डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। दूसरी चीज, इस प्रकार के डांस में जो वर्कर होते हैं वो अपना एब्डोमिनल वाला पार्ट को नहीं हिलाते, नोट, या फिर अपन कहें नोट मूवमेंट इन एब्डोमिनल पार्ट, मतलब जो वर्कर होते हैं उनका जो पीछे वाला पार्ट है उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है या उसको नहीं हिलाते हैं। जबकि अपन अगला जो करेक्टर देखेंगे, दूसरी चीज है, ये एक सेकंड के अंदर राउंड जो होता है उनका, ये राउंड जो होता है 1 सेकंड के अंदर ये 6 से लेकर 10 राउंड परफॉर्म करते हैं। 1 सेकंड के अंदर इनकी स्पीड जो होती है वो 6 से 10 राउंड मारने की कैपेसिटी होती है, या 9 से 10 अपन कह सकते हैं, 9 से 10 राउंड अगर ये मारते हैं तो इसका मतलब फूड की डिस्टेंस छह किलोमीटर के आसपास है। अगर इनकी 1 सेकंड में अगर ये राउंड जो है 9 से 10 राउंड अगर मारते हैं तो इनकी फूड की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो सकती है, 6 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन ये अपने मायने नहीं रखता। अपना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, राउंड डांस कब परफॉर्म किया जाता है, जब उसकी डिस्टेंस फूड की कितनी हो, 100 मीटर के आसपास होती है या 100 से नीचे होती है तो राउंड प्रकार का डांस परफॉर्म किया जाता है, और 100 से अगर अधिक हो तो कौन सा किया जाता है, टेल वेगल डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें खास तौर से पूछा जाता है टेल वेगल डांस में डिस्टेंस मीटर, जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है टेल वेगल डांस तो कब किया जाता है, तो ये जब फूड की डिस्टेंस होती है छत्ते से लेकर वो कितनी होती है, 150 मीटर के आसपास होती है, तब इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही वेगल डांस है वो सबसे अधिक किया जाता है। दूसरी चीज़ को अपन देखें, इसमें जो टेल पार्ट है टेल पोर्शन है उसको क्या किया जाता है, हिलाया जाता है, मतलब इसको मूवमेंट किया जाता है या डांस किया जाता है, डांस के साथ साथ टेल पोर्शन को भी हिलाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेल वेगल डांस के नाम से जानते हैं। जबकि इसके अंदर टेल है उसको मूवमेंट नहीं किया जाता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, जबकि यहाँ पर टेल को साथ में हिलाया जाता है। इसका मतलब किस प्रकार का डांस है, टेल वेगल डांस है, और फूड की डिस्टेंस क्या है, थोड़ी दूर है, अधिक होती है। इसकी डांस जो परफॉर्म किया जाता है, डांस किसकी आकृति में किया जाता है, ये 8 की आकृति में परफॉर्म किया जाता है। 8 की आकृति में परफॉर्म यदि डांस किया जाता है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो फूड की डिस्टेंस है वो काफ़ी अधिक तक है, काफ़ी दूर फूड हो सकता है इसका। और इसमें खास तौर से समझाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है वो कम्युनिकेट किया जाता है कि टेल को कैसे हिलाया गया है, कितनी बार हिला गया है, कितनी बार और कितने टाइम के लिए हिलाया गया है, उससे डिस्टेंस तय की जाती है। मतलब टेल वेगल डांस में फूड की दूरी कैसे मापी जाती है, कि उनका जो टेल वाला पोर्शन है उसको कितनी टाइम के लिए और कितनी बार हिलाया गया है, मतलब पर सेकंड में कितनी बार हिलाया गया है और कितनी देर तक हिला रहा है, उसके जितनी ज़्यादा हिलाएगा उसका मतलब फूड की डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। तो ये उनका एक कम्युनिकेट करने का एक सोर्स होता है। दूसरी चीज अपन देखें, ये 2 प्रकार के डांस हैं, इनमें से क्वेश्चन मोस्टली बनता है।
एक इनमें देखा जाता है कि जो सन है और ये फूड है, अगर यहाँ से ये छाते पे जाता है तो ये जो सन है इनके बीच में इनका जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री। आपको एक सिंपल सी बात है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, कि जब ये फूड की सर्चिंग करते हैं, फूड की रिपोर्ट लेके आते हैं, तो जो फूड होता है और जो सन होता है उनके बीच में कितने एंगल के ऊपर इनका मूवमेंट देखने को मिलता है, तो सन के एंगल में हमेशा इनका जो मूवमेंट होता है वो 30 डिग्री के आसपास होता है। तो ये हमेशा याद रखना आपको, 30 डिग्री का इनके अंदर एंगल देखने को मिलता है फूड और सन के लिए, क्योंकि दिन के अंदर तो ये एंगल बन जाएगा लेकिन रात के लिए एंगल इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खास तौर से सुबह उड़ती है ये और या फिर शाम को, तो उस टाइम में इनका एंगल की पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिन के अंदर अगर अपन देखेंगे तो ये 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, इनका फूड और सन के बीच में 30 डिग्री का कोण ये परफॉर्म करते हैं। इनकी डांसिंग की अपन बात करें, जैसे जो वेगल डांस है, टेल वेगल डांस है, इसकी अपन बात करें कि ये एक इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से अगर मूवमेंट करती है तो पहले ये इस प्रकार से मूवमेंट करती है, मतलब पहले यहां फिर यहां फिर यहां, जब जैसे यहां आती है तो ये यहां से इसी से होते हुए इस प्रकार से मूवमेंट करती है। तो ये जो परफॉर्म है इनका करने का, ये इस प्रकार का ही इनका, इस प्रकार से 8 टाइप से ये मूवमेंट करते हैं, ये हमेशा याद रखना है। पहले ये हमेशा इस साइड में जाएंगे, राइट साइड में, उसके बाद में ये लेफ्ट साइड के अंदर टर्न करते हैं। तो ये वेगल डांस की एक आकृति है कि इस प्रकार से ये परफॉर्म करते हैं। आगे अपन देखें, एक साइंटिस्ट है जिसने थोड़ी सी जनरल चीज़ें बताई है, जैसे हैमिल्टन, हैमिल्टन 1964, इन्होंने 1964 के अंदर ये बताया था कि खास तौर से जो बी है इनके अंदर सोशल बिहेवियर पाया जाता है, और सोशल बिहेवियर का इन्होंने स्टडी की और इनका कारण बताया, तो कारण के अंदर खास तौर से जेनेटिकली करेक्टर बताया या हेरिडिटी, इन्होंने किसको बताया, वंशानुगत कारण को बताया कि सोशल बिहेवियर के लिए जो मेन कारण है वो क्या है, जेनेटिकली है, वंशानुगत है या हेरिडिटी कारण है वो सबसे रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इन्होंने स्टडी की पार्थेनोजेनेसिस, बी जो है बी के पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर इन्होंने स्टडी की और सोशल बिहेवियर के ऊपर स्टडी की, सोशल बिहेवियर को जो रेस्पॉन्सिबल बताया कि सोशल बिहेवियर किसके कारण से होती है, तो इनके अंदर जेनेटिकली अनुवांशिक देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्थोजेनेसिस की स्टडी की, इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन को बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे देखने को मिलता है बीज के अंदर। इसके अलावा इन्होंने बताया कि पार्थोजेनेसिस के कारण से हैप्लोइड ड्रोन का क्या होता है, निर्माण होता है, मतलब पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस पाई जाती है उसमें हैप्लोइड ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये किसने बताया था, हैमिल्टन ने बताया था, और इन्होंने एक एक्सप्लेन किया था इस प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस को, खासतौर से एक्सप्लेन किया इन्होंने, जैसे ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक हो गया है वैसे थोड़ा सा, लेकिन अभी ये लास्ट ही पोर्शन है। जैसे सबसे पहले अपन देखें, फर्टिलाइज्ड एग है, या अपन कह सकते हैं 2N है,
सबसे पहले इस 2n को अपन देखें, फर्टिलाइज्ड एग है, उसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अपन इसको भी कह सकते हैं, पहले इससे क्या बनती है, फीमेल बनी है, सेक्सुअल फीमेल, जो कैसी है 2n है। इसमें दो प्रकार के एग बनते हैं, इस प्रकार से दो प्रकार के एग बने हैं। इस प्रकार के जो एग हैं इनमें क्या होता है, माइटोसिस, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये अपन कह सकते हैं। ये जो है ये किसमें डेवलप होता है, ड्रोन। ड्रोन कैसे हो गए, हैप्लोइड हो गए, इसको बोल सकते हैं अपन अनफर्टिलाइज्ड एग है ये, अनफर्टिलाइज्ड एग। इसने दो प्रकार के एग बनाए, एक ये एग, एक ये एग। एक एग कैसे रह गए जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और ये ड्रोन में कन्वर्ट हो गए, ड्रोन में क्या हुआ, माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बन गया, स्पर्म। और ये जो स्पर्म है और ये जो एग है इनके बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और ये वापस से यहाँ पर क्या बन गई, 2n बन गई। ये जो 2n बनती है इससे क्या बनते हैं, एक तो वर्कर और सेकंड क्वीन। इसमें दो प्रकार के मेंबर बनते हैं, एक तो क्वीन और एक वर्कर। तो इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन बताया कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो किसके कारण से होती है, पार्थेनोजेनेसिस के कारण से होती है। तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है, इसके लिए अपन सेकंड वीडियो तो नहीं बना सकते थे, थोड़ा सा पोर्शन था, लेकिन अपना वीडियो जो कंप्लीट है वो कंप्लीट हो गया है अभी। खासतौर से जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर इन हनी बी, इसके अंदर तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लॉन्ग बना है, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। अगले बिहेवियर के आगे अपन बात करेंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।